जया, आपको नहीं लगता कि किसी की मदद करने के लिए जज्बे की ज़रूरत है, सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए तो आप किसी की भी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, और इसी कड़ी में आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे जादूगर से, एक ऐसे कलाकार से जो जीवन यापन के लिए तो मजदूरी करते हैं लेकिन अपनी कला के ज़रिए उन्होंने कई बच्चों को नई जिंदगी दी है। बिल्कुल, और ये कला है बहुरूपिया बनना। ये वेश बदलते हैं, कई रंगों में खुद को ढालते हैं और बीमार बच्चों के लिए पैसे रेज कर रहे हैं। देखिए हमारे खास खबर उडुपी से। मिलिए उडुपी में रहने वाले रवि काटपाणी से। जीवन यापन करने के लिए ये मजदूरी करते हैं लेकिन गांव के लोगों के लिए ये एक हीरो हैं। रवि जाने जाते हैं अपने असाधारण जज्बे के लिए। दिन में सिर्फ कुछ 100 रुपए कमाने वाले रवि ने अब तक कई बच्चों को नई जिंदगी दी है। रवि एक ऐसे कलाकारों के समूह का हिस्सा है जो विभिन्न वेश धारण कर उत्सवों में परफॉर्म करते हैं और अपनी इसी कला के जरिए वो बच्चों को नई जिंदगी देते हैं। 4 साल पहले रवि की मुलाकात अनविधा से हुई, जिसका सीधा हाथ काम नहीं करता था, लेकिन उसके माँ बाप अपनी बेटी के इलाज के लिए लाखों रुपए जुटाने में असमर्थ थे। रवि ने अनविधा की मदद करने की ठानी और पैसा जुटाने के लिए एक अनूठा तरीका ढूंढ निकाला। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है, गरीबी में ही बड़ा हुआ हूं, इसलिए मैंने बहुरूपिया बनकर गरीबों की मदद करने की ठानी। दोस्तों और माता पिता के सपोर्ट से मैं ये कर पा रहा हूं। रवि ने मशहूर अफौन नाम की कहानियों के एक पात्र की तरह खुद को रंग लिया और जन्माष्टमी के उत्सव में परफॉर्म किया। रवि की मेहनत रंग लाई, लोगों को रवि का रूप खूब पसंद आया और उन्होंने खूब दान दिया। रवि अनविधा की सर्जरी कराने में सफल रहे और तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। हर साल जन्माष्टमी त्योहार के दौरान रवि अलग अलग वेशभूषा धारण करते हैं। कभी वो बच्चों की कहानियों के अजीबोगरीब पात्र बन जाते हैं तो कभी सुपरमैन, लिजर्ड मैन जैसे सुपर हीरो बनकर घूमते दिख जाते हैं। रवि अलग अलग रूप धारण करके जन्माष्टमी के दौरान लोगों के बीच जाते हैं और अपने नाटकों के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं। इन पैसों से वो उन बच्चों का इलाज करवाते हैं जो पैसों के अभाव के कारण इलाज से वंचित हैं। मेरी बेटी का एक हाथ काम नहीं करता था। रवि ने विभिन्न रूप धारण कर मेरी बेटी की सर्जरी के लिए 1,04,000 रुपए इकट्ठा किए। हम रवि के बहुत आभारी हैं। मेरे बेटे की आंखों में नींबू जाने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। रवि की मदद से हम उसकी सर्जरी करवा पाए। हम बहुत खुश हैं। मेरी बेटी को त्वचा रोग कोजेनाइटल इथियोसिस था। रवि ने हमें 2,50,000 रुपए दिए। हम बहुत गरीब हैं। रवि ने हमारी बहुत मदद की। मेरी बेटी अब ठीक हो रही है। रवि हम सबके लिए प्रेरणा है। वो दूसरों के लिए जीते हैं और उन्होंने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। रवि की वेशभूषा और विभिन्न अवतारों का जादू अब दूर दूर तक फैल चुका है। मुंबई से लेकर दुबई तक लोग रवि को दान देते हैं। रवि ने साल 2015 और 16 में करीब 8,00,000 रुपए इकट्ठा किए, जिससे 5 बच्चों का इलाज हुआ। 2017 में 5,00,000 रुपए जोड़े, जिससे 7 बच्चों की सर्जरी हुई। लेकिन रवि के लिए ये अलग अलग रूप धारण करना और लोगों के लिए हर साल कुछ नया करना आसान नहीं है। इन सभी तरह की पोशाक पहनने में और अपने शरीर को रंगने के लिए उन्हें कई घंटों तक तकलीफ सहनी पड़ती है। घंटों मेकअप में रहने से रवि की त्वचा कई जगह से जल गई है। लंबे समय तक भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को हर साल उसी शिद्दत से करते जा रहे हैं। रवि का ये सेवा भाव निसंदेह प्रशंसा से परे है। जिन बच्चों को रवि ने नई जिंदगी दी है, उन परिवारों के लिए वे भगवान से कम नहीं और हम सभी के लिए वो है रियल लाइफ सुपर हीरो। उडुपी से गुड न्यूज इंडिया के लिए उदय पडियार की रिपोर्ट।